तीसरे वनडे को जीतने के लिए रोहित ने खुद किए 4 बड़े बदलाव। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी और कौन से हैं वो टीम इंडिया के 4 बड़े बदलाव, सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे इस रिपोर्ट की। देखो जैसे कि आपको बताया कि भैया भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला खेली जा रही है और इस 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के अब तक 2 मैच खेले भी जा चुके हैं, जहां पहला मुकाबला तो टाई हो गया था लेकिन दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को यहां पर श्रीलंका से 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। अब बारी है यहां पे तीसरे वनडे मुकाबले की, जो कि यूं कहें कि भैया ये मुकाबला खेला जाने वाला है कल, यानी कि आपको बता दें कि 7 अगस्त को मुकाबला खेला जाएगा और ये मुकाबला एक बार फिर यहां पे खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम में और ये मुकाबला इंडियन अकॉर्डिंग टाइम 2:30 बजे से खेला जाने वाला है। लेकिन इस मुकाबले से ठीक पहले यहां पे कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया में 4 बड़े बदलाव कर दिए, क्योंकि अगर टीम इंडिया ये ही मुकाबला जीतेगी तब यहां पे श्रीलंका के साथ 1-1 की बराबरी कर पाएगी। तो ऐसे में ये जानते हैं कौन से वो 4 बड़े बदलाव। बात करें अगर पहले बड़े बदलाव की, तो पहला बड़ा बदलाव जो निकल कर आ रहा है दोस्तों वो है यहाँ पे शिवम दुबे को बाहर बैठना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल आपको बताया कि शिवम दुबे अब तक 2 मैचों में कुछ खास कमाल प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, तो ऐसे में अब शिवम दुबे की जगह पर यहाँ पे रियान पराग की एंट्री होने जा रही है और रियान पराग को आप जानते हैं कि कितने बेहतरीन और धाकड़ खिलाड़ी हैं और T20 में उनका प्रदर्शन कितना अच्छा था, तो ऐसे में अब यहाँ पे वनडे में भी रियान पराग को मौका मिलेगा और ऐसे में अब रियान पराग खेलेंगे और यहाँ पे आपको बताएं कि शिवम दुबे को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसी के साथ अगले खिलाड़ी के तौर पर यहाँ पे आपको बता दें कि केएल राहुल की जगह पर ऋषभ पंत की एंट्री होने वाली है इस मुकाबले में। जी हाँ, इस मुकाबले में ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अगर बात करें तीसरे बड़े बदलाव की, तो यहाँ पे खलील अहमद की एंट्री होगी, तो इसी के साथ हर्षित राणा भी खेलते हुए नजर आने वाले। तो ये वो 4 बड़े बदलाव। आप ही की राय 4 बड़े बदलाव के बारे में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।